हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नैन्सीज तड़का। तो आज हम बनाएंगे बिना साबूदाना भिगोए व्रत में खाने वाला साबूदाना डोसा और साथ में बनाएंगे व्रत वाली चटनी। तो इसके लिए जार में ले लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, एक टुकड़ा अदरक का, एक हरी मिर्ची, 3-4 चम्मच भुनी हुई मूंगफली का छिलका निकालकर, आधा नींबू का रस, थोड़ा सा सेंधा नमक, 1 चम्मच के आसपास पानी डालकर इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए व्रत वाली चटनी बिल्कुल तैयार है। इसका टेक्सचर देखिए, इसे एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। अब कढ़ाई में आधी कटोरी साबूदाना ले लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट रोस्ट कर लेंगे। तो ये रोस्ट हो चुका है, इसे निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसे जार में डाल देंगे। और ये आधी कटोरी मैंने लिए हैं समा के चावल, और इन दोनों को ब्लेंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए इसका एकदम फाइन पाउडर रेडी है। अब दूसरे जार में हम ले लेंगे एक उबला हुआ आलू और थोड़ा सा इसमें पानी डालकर इसे ब्लेंड करके इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए कितना स्मूथ पेस्ट इसका बन के रेडी है। अब कढ़ाई में साबूदाने और चावल का पाउडर डाल देंगे। इसके साथ डाल देंगे आलू की पेस्ट जो हमने बनाई थी, 3 से 4 चम्मच दही, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़ा सा घसा हुआ अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया, 1/2 चम्मच काली मिर्ची और स्वाद के अनुसार सेंधा नमक। अब मैंने ये भुनी हुई मूंगफली का पाउडर लिया है, 2 से 3 चम्मच मैं इसमें ये डाल दूंगी। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें 1/2 चम्मच जीरा भी डाल सकते हैं। अब इसमें 2 ग्लास पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें जो भी गुठलियां होंगी उसे हम अच्छे से इस तरह निकाल देंगे और इसका एक बैटर बना देंगे। तो ये देखिए बैटर बन के रेडी है। अब इसे कवर करके 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो 20 मिनट हो चुके हैं, देखिए बैटर जो है वो थोड़ा पहले से थिक हो गया है। अब यहाँ पर 1/2 ग्लास पानी डालकर बैटर को थोड़ा पतला कर लेंगे। जैसे रवा डोसा के लिए बैटर होता है वैसे ही इसका भी बनाएंगे। अब तवे पर थोड़ा सा ऑयल डालकर एक बार टिश्यू से पोंछ लेंगे, थोड़ा सा पानी का छींटा दे देंगे। पानी पूरा सूख जाए तब हम इसमें डोसा का बैटर डालेंगे, इस तरह जिस तरह मैं डाल रही हूँ। तवा अच्छा गर्म होना चाहिए। डोसा डालने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पे इसे आराम आराम से पकने देंगे। ऊपर की साइड जब पूरी ड्राई हो जाए तब इसके साइड्स में और ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे। कुछ ही देर में आपको डोसा इस तरह गोल्डन और क्रिस्पी दिखेगा। साइड से ये तवे से अपने आप निकलने लगेगा। तो ये देखिए डोसा हमारा कितना क्रिस्पी बना है। इसी तरह हम बाकी डोसे भी बना लेंगे। तो देखिए हमारा दूसरा डोसा भी कितना क्रिस्पी बना है। अगर आप साबूदाना वड़ा या साबूदाना खिचड़ी खाकर बोर हो गए हैं तो एक बार ये डोसा बनाकर जरूर देखिए, सच में आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप भी नवरात्रि में ये डोसा ट्राई करें और व्रत वाली चटनी के साथ एंजॉय करें। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।